नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल लर्न एंड ग्रो में। आज हम डिस्कस करेंगे हाइड्रोलिक लोड सेल के बारे में। जो हाइड्रोलिक लोड सेल है, इसके कौन कौन से कंपोनेंट होते हैं और ये कैसे काम करती है। तो हाइड्रोलिक यानी कि इसके अंदर हम क्या करेंगे, एक लिक्विड का यूज़ करेंगे। लोड सेल यानी कि हम फोर्स को मेज़र करेंगे उस लिक्विड के थ्रू। तो लोड सेल होती क्या है, ये दो चीज़ों का कम्बिनेशन होती है। एक इसके अंदर होता है इलास्टिक मेंबर और दूसरा होता है इसके अंदर, अगर हम बात करें, स्ट्रेन गेज टाइप। तो इलास्टिक मेंबर क्या करता है, इसको हम प्राइमरी ट्रांसड्यूसर बोलते हैं। अगर हम स्ट्रेन गेज की बात करें या स्ट्रेन गेज की तरह का कोई आपका सेकेंडरी ट्रांसड्यूसर लगा हो तो वो चीज़ होती है ये सेकेंडरी ट्रांसड्यूसर। तो प्राइमरी ट्रांसड्यूसर का आप मेनली इसके अंदर यूज़ करते हैं, जो मेनली होता है आपका इलास्टिक मटेरियल। सेकेंडरी जो ट्रांसड्यूसर होता है, अगर हम बात करें, अगर स्ट्रेन गेज हम ले सकते हैं और भी चीज़ें हम ले सकते हैं, प्रेशर गेज हम ले सकते हैं, कोई भी गेज ले सकते हैं। तो आपको दो ट्रांसड्यूसर की ज़रूरत पड़ेगी, यानी कि प्राइमरी ट्रांसड्यूसर इसके अंदर होता है और सेकेंडरी ट्रांसड्यूसर इसके अंदर होता है। अब इन दोनों के थ्रू आप क्या करते हैं, जब आप इन दोनों का कम्बिनेशन बना लेते हैं तो फोर्स की वैल्यू को आप मापते हैं। तो वो कैसे मापते हैं, अगर हम हाइड्रोलिक लोड सेल की बात करें तो इसके अंदर देखते हैं कौन कौन से कंपोनेंट है और जो फोर्स की वैल्यू है आप उसको कैसे मापेंगे। तो इसके अंदर देखिए, यहाँ पे ये दिखाया गया है, ये क्या है, ये आपका है लोडिंग प्लेटफॉर्म। यानी कि इसके थ्रू आप क्या करेंगे, लोडिंग प्रोवाइड करेंगे, फोर्स प्रोवाइड करेंगे। तो ये लोडिंग प्लेटफॉर्म है, यहाँ पे आप फोर्स लगाएंगे तो इस जो प्लेटफॉर्म के थ्रू आप फोर्स को अप्लाई करेंगे। तो कितने भी फोर्स आप अप्लाई कर सकते हैं जो आपको मापनी है। अब यहाँ पे ये देखिए, ये इस तरह से एक चैम्बर के अंदर ये प्रोसेस होती है, इस तरह का आपकी ये कम्बिनेशन होता है। और यहाँ पे इस जो आपकी लोडिंग प्लेटफॉर्म है, इसके बाद यहाँ पे ये है डायफ्राग्म। तो इसके अंदर क्या लगा होता है, डायफ्राग्म लगा होता है। अब डायफ्राग्म क्या करता है, डायफ्राग्म जैसे ही आप फोर्स अप्लाई करते हैं तो डायफ्राग्म डिफ्लेक्ट होता है और ये इसी फोर्स को किसको ट्रांसमिट करता है, इस लिक्विड को। तो आपके पास लिक्विड मीडियम होता है, कन्फाइंड स्पेस के अंदर पहले ही आप इसको लेके रखते हैं और इसके ऊपर क्या होता है, इसके ऊपर लगभग दो बार का प्रेशर आप प्रीलोड रखते हैं। लगभग दो बार का प्रेशर पहले से ही इसके ऊपर अप्लाई होता है। अब आप क्या करते हैं, इसके ऊपर जब आप फोर्स को अप्लाई करते हैं इस डायफ्राग्म के थ्रू, जब आप डायफ्राग्म के ऊपर जब भी फोर्स को आप चेंज करेंगे, यानी कि इसके ऊपर लोडिंग प्लेटफॉर्म के ऊपर फोर्स को लगाएंगे, तो ये डायफ्राग्म तक पहुंचेगी, ये डिफ्लेक्ट होगा और ये ट्रांसमिट करेगा उस फोर्स को इस लिक्विड पे। अब ये लिक्विड क्या करेगा, ये लिक्विड इसको आगे ट्रांसमिट करेगा किसको। अब आगे आप लगा सकते हैं, यहाँ पे ये देखिए, ये ओपनिंग दिखाई गई है, आगे आप इसको कनेक्ट कर सकते हैं प्रेशर गेज के साथ। तो ये जो कनेक्ट होगी आपकी, ये होती है प्रेशर गेज के साथ। तो प्रेशर गेज आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। तो अब देखिए क्या हुआ, इसने क्या किया, इस लिक्विड ने इस जो फोर्स को ट्रांसमिट किया प्रेशर गेज के पास और इस प्रेशर गेज ने यहाँ पे ये आपको रीडिंग देगा। अब जो आपने फोर्स अप्लाई की है तो फोर्स किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी, यानी कि जो प्रेशर यहाँ पे जनरेट होगा तो प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होगा, फोर्स के जो आपने अप्लाई की है। प्रीलोड पहले ही था टू बार, फिर आपने जब वो अप्लाई किया तो ये जो प्रेशर गेज है ये आपको रीडिंग देगी। अब इसके अंदर देखिए, जब आप फोर्स अप्लाई करते हैं तो लिक्विड प्रेशर क्या होता है, इंक्रीज होता है। और ये आप क्या करते हैं, जो प्रेशर का फॉर्मूला है फोर्स पर यूनिट एरिया, इसके थ्रू क्या है आप प्रेशर को निकाल सकते हैं। तो एफ क्या है, फोर्स मैग्नीट्यूड है इसके अंदर। ए क्या है, इफेक्टिव एरिया ऑफ डायफ्राग्म है, जो कि इसके लिक्विड के कॉन्टैक्ट में है जिसने इसके ऊपर फोर्स लगाई थी। तो इस तरह से जो प्रेशर है वो ट्रांसमिट हो जाएगा और उसको आप रीड कर लेंगे प्रेशर गेज में, और जिससे कि आप फोर्स की वैल्यू आसानी से निकाल लेंगे। तो इस तरह से हाइड्रोलिक लोड सेल के थ्रू आप लिक्विड का, डायफ्राग्म का और प्रेशर गेज का यूज़ करके फोर्स की वैल्यू को आसानी से मेज़र कर सकते हैं। तो ये थी हाइड्रोलिक लोड सेल। तो थैंक यू वीडियो देखने के लिए, और ज़्यादा अपडेटेड वीडियोज़ के लिए आप हमारे चैनल लर्न एंड ग्रो पे हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू।